हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स एंड मोर। मैथ्स एंड मोर में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि हम 2019 का बोर्ड का सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हैं जो कि सीबीएसई ने रिलीज़ किया है। और फ्रेंड्स, हर साल सीबीएसई बोर्ड का सैम्पल पेपर रिलीज़ करती है। फ्रेंड्स, आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, तो नीचे दिए गए लाल बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। बहुत कॉमन सी बात है, सभी लोग बोलते हैं, उससे फ़ायदा ये होगा कि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी। फ्रेंड्स, दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि हम इस वीडियो इस वाले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन 19 तक मैंने ऑलरेडी पहले दो पार्ट में सॉल्व कर दिए हैं। अगर आपने वो पार्ट अभी भी नहीं देखे हैं तो उनको आप चेक कर सकते हैं ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके यहाँ पे। और फ्रेंड्स, नीचे दिए गए नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें भी मैंने सबका लिंक प्रोवाइड कर रखा है। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 20 से। और क्वेश्चन नंबर 20 आपका है फिजिक्स से। सो द क्वेश्चन इज सेइंग दैट व्हाट इज मेंट बाय द टर्म पावर ऑफ एकोमोडेशन, नेम द कंपोनेंट ऑफ हाइट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पावर ऑफ एकोमोडेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पावर ऑफ एकोमोडेशन, इट इज द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ। सीलियरी मसल्स आर रिस्पॉन्सिबल, द सीलियरी मसल्स ऑफ द आई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन इट्स फोकल लेंथ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था फ्रेंड्स। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा था कि नेम द कॉम्पोनेंट ऑफ आई, ये भी हमने बता दिया। अब इसका पार्ट बी है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं सेक्शन डी के, ध्यान रखिएगा। अ स्टूडेंट सिटिंग एट द बैक बेंच इन अ क्लास हैज़ डिफिकल्टी इन रीडिंग। एक स्टूडेंट है जो क्लास के पीछे बैठता है, सबसे पीछे के बेंच पे बैठता है, और उसको ब्लैक बोर्ड पर वो इजिली रीड नहीं कर पाता है। वट कुड बी हीज डिफेक्ट ऑफ विजन, डेफिनेटली ही इज सफरिंग फ्रॉम मायोपिया। उसको दूर का क्लियरली नहीं दिखता है, और मायोपिया से खड़ाक से आपको याद आ जाना चाहिए कि भाई मायोपिया कॉनकेव लेंस नेगेटिव पावर, मायोपिया कनकेव लेंस नेगेटिव पावर। मेरे साथ रिपीट कर लीजिए एक बारी, मायोपिया कनकेव लेंस नेगेटिव पावर, हाइपरमेट्रोपिया पॉजिटिव पावर, कन्वेक्स लेंस, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ रे डायग्राम टू इलस्ट्रेट द इमेज फॉर्मेशन ऑफ द ब्लैक बोर्ड वैन ही सीटेड एट द बैक सीट फ्रंट सीट। स्टेट टू पॉसिबल कॉजेज ऑफ दिस डिफेक्ट, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ करेक्टिंग दिस डिफेक्ट विद द हेल्प ऑफ अ रे डायग्राम। बहुत कॉमन क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मायोपिया के कॉजेज सिंपली यही होते हैं कि एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस और इलॉन्गेशन ऑफ द आई बॉल। और इस डिफेक्ट को आप कैसे क्योर कर सकते हैं, दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाई यूजिंग अ कनकेव लेंस, मैंने बता दिया सूटेबल पावर का। और कनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव में होती है। फ्रेंड्स, जो इसके तीन रे डायग्राम दिए थे, जो इसके तीन रे डायग्राम पूछे थे, वो मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, टाइम बचेगा। आपको रे डायग्राम के लिए एनसीईआरटी का पेज नंबर 189 कंसल्ट करना पड़ेगा। 11.2 के तीनों फिगर एज इट इज़ बना दीजिएगा, और वही आपके रे डायग्राम के आंसर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, ये भी आपका 5 मार्क्स का है। आपको इसके अंदर एक्टिविटी बतानी है, और ये आपकी जो है मैग्नेटिज्म चैप्टर से है, जो इलेक्ट्रिसिटी के बाद आपका चैप्टर है आपका फिजिक्स का। सो द क्वेश्चन इज सेइंग दैट विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी एक्सप्लेन द मेथड ऑफ इंड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इन अ कॉइल विद अ मूविंग मैग्नेट, स्टेट द रूल्स यूज फॉर द फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट दस जनरेटेड इन द कॉइल। तो रूल कौन सा यूज होगा, राइट हैंड थंब रूल। तो चलिए चेक करते हैं इसका आंसर क्या होगा। इस एक्टिविटी के लिए आप रेफर के रही है एनसीईआरटी का पेज नंबर 233। अब फ्रेंड्स, बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे भाई आप बता नहीं रहे हो एक्टिविटी क्या है, एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो। फ्रेंड्स, अगर मैं एक्सप्लेन करने लग जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। अगर आपको लगता है कि आपको बिल्कुल ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, आपको इसका आंसर नहीं मिल रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए। मैं इस क्वेश्चन का स्पेशली एक फिर से अलग वीडियो बना दूंगा जिसमें एक्टिविटी में स्पेशली एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर भी मैं आपको स्लाइटली एक बार बता देता हूँ कि एक्टिविटी में होता क्या है, वरना बच्चे गुस्सा करने लग जाएंगे कमेंट सेक्शन में। फ्रेंड्स, इस एक्टिविटी में होता ये है, क्वेश्चन में पूछा था कि एक्सप्लेन द मेथड ऑफ इंड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इन अ कॉइल विद अ मूविंग मैग्नेट। तो आपको सिंपली करना यही होता है कि एक कॉइल होती है, ये आपकी कॉइल है, यहाँ पे गलवैनोमीटर लगा रहता है। जब आप एक मैग्नेट को इस कॉइल के थ्रू पास करेंगे तो गलवैनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखलाएगा। ये सबसे आपकी बेसिक एक्टिविटी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। तो आप रेफर करिएगा एनसीईआरटी का पेज नंबर 233, एक्टिविटी 13.8। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, और मैं रिप्लाई करके उसका फिर से एक नया वीडियो इस पार्ट का बना दूंगा। पार्ट टू में देखते हैं क्या पूछ रहा है। पार्ट टू में ये पूछ रहा है कि आपको दो कॉइल दी गई हैं, कॉइल वन एंड कॉइल टू। फ्रेंड्स, ये एक्टिविटी भी आप यूज़ कर सकते हैं, सेम एक्टिविटी, बट ये एक्टिविटी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। इस एक्टिविटी के अंदर भी यही होता है, करंट इंड्यूस होता है कॉइल नंबर
टू में। इसका रीज़न क्या है मैं आपको बता दूं कि जब कॉइल वन में करंट पास होता है तो ये अपना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है, और जब वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है और कॉइल टू का जो ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड होता है जो कि बहुत कम होता है तो ना के बराबर होता है, तो दोनों का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। मैं डिटेल में बता रहा हूँ, ऐसे आपके पेपर में ये रीज़न नहीं पूछेगा, फिर भी मैं बता रहा हूँ। सो द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूसेज द करंट इन द कॉइल नंबर टू एंड द गैल्वेनोमीटर शोज द डिफ्लेक्शन। सो टू कॉइल्स, सर्कुलर कॉइल्स आपको दी गई हैं, कॉइल वन एंड कॉइल टू, दोनों को आसपास लगाया गया है, इस डायग्राम में शो कर रखा है। इस कनेक्टेड टू अ बैटरी एंड अ की एंड कॉइल टू विद द गैल्वेनोमीटर। स्टेट और ऑब्जर्वेशंस, आपको ऑब्जर्वेशन बतानी है कि जब की को क्लोज करेंगे तब क्या होगा और बी में जब की को ओपन करेंगे तब क्या होगा, और आपको अपने ऑब्जर्वेशन के रीजन देने हैं। तो गैल्वेनोमीटर विल शो मोमेंटली डिफ्लेक्शन इन वन डायरेक्शन, जब आप की को क्लोज करेंगे, मतलब कि जब करंट पास होना स्टार्ट हो जाएगा तो गैल्वेनोमीटर किसी एक डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दिखाएगा। मान लेते हैं वो राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि जब आप की को क्लोज करेंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है अराउंड कॉइल टू वो इंक्रीज होने लग जाएंगी और वो कॉइल टू के अंदर एक करंट इंड्यूस कर देंगी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स क्या दिया हुआ है। और पार्ट बी में क्या होगा कि जब आप की को ओपन कर देंगे, मतलब जब करंट उस सर्किट में से पास होना बंद हो जाएगा, देन व्हाट विल हैपन, द गैल्वेनोमीटर नीडल विल डिफ्लेक्ट मोमेंटरी बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। पहले अगर राइट साइड में गया था तो अब वो लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्शन दिखलाएगा। उसका रीज़न ये है कि बिकॉज वन द की इज़ ओपन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अराउंड द कॉइल टू डिक्रीजेज। अब क्या होती है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स वो डिक्रीज होने लग जाती हैं, इसलिए वो ऑपोजिट साइड में डिफ्लेक्शन दिखलाता है, ठीक है फ्रेंड्स। और इसका एक और पार्ट था आपका, और पार्ट कह रहा है कि नेम द डिवाइस डैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो फ्रेंड्स, जो मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो डिवाइस कन्वर्ट करती है वो हमारा होती है इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक जनरेटर जो होता है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। और फिर इसमें पूछा गया था कि एक्सप्लेन द अंडरलाइंग प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ दिस डिवाइस विद द हेल्प ऑफ अ लेबल्ड डायग्राम। तो डायग्राम के लिए तो आपको फिर से एनसीईआरटी का ही पेज रेफर करना पड़ेगा, ठीक है, और जो कि आपका है पेज नंबर 236, पॉइंट नंबर 13.16। और इलेक्ट्रिक जनरेटर का उसका प्रिंसिपल और उसका डायग्राम और उसका वर्किंग मैं आपको बता देता हूँ। फ्रेंड्स, आई होप आप रीड कर पा रहे हो, मैं आपको फटाफट रीड करके बता देता हूँ। ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल वही होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। मैं इसका वर्किंग रीड नहीं करूँगा और एक्शन ऑफ प्रोसेस भी रीड नहीं करूँगा। आप सिंपली क्या करिए कि इस पार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। नहीं तो उससे क्या होगा कि अगर मैं वर्किंग रीड करने ले जाऊँगा तो उससे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो आपको मेन प्रिंसिपल बताना है और वर्किंग बताना है, ठीक है। तो प्रिंसिपल मैं आपको फिर भी रीड करके बता देता हूँ कि एन इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमिना एंड अकॉर्डिंग टू दैट फिनोमिना, अकॉर्डिंग टू इट, व्हेनेवर अ कॉइल इज रोटेटेड बिटवीन द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट एन इंड्यूस करंट इज सेटअप इन द कॉइल हुज डायरेक्शन इज गिवन बाय द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो फ्रेंड्स, ये डायग्राम है, आप एनसीईआरटी का पेज नंबर 236 पे सर्च कर सकते हैं। सेम डायग्राम है आपको जो अपने पेपर में ड्रॉ करना है और आपको पूरे 5 मार्क्स मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा इसका और पार्ट भी पूरा हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 22। सो लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 से हमारा सेक्शन ई स्टार्ट हो जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24, 25, 26, 27 टोटल आखिरी के 6 क्वेश्चन जो कि टोटली प्रैक्टिकल बेस्ड होते हैं। ध्यान रखिएगा कि आपके पेपर के आखिरी के जो 6 क्वेश्चन होंगे वो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन होंगे, और जो आपके पूरे एनसीईआरटी बुक में जो प्रैक्टिकल्स दिए हुए हैं, एक्टिविटीज़ दिए हुए हैं, उनके बेस पे होंगे। एक्टिविटीज़ को मिस कर रहे हैं तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा आपका नुकसान होने वाला है। तो प्लीज़, अगर आपको पूरे 100% मार्क्स स्कोर करने हैं, अबव 90% 95% स्कोर करना है, तो आप इन 12 मार्क्स से नहीं खेल सकते हैं। फ्रेंड्स, प्रैक्टिकल क्वेश्चन से याद आया कि मैं एक सीरीज स्टार्ट करूँगा जिसके अंदर कोशिश करूँगा कम से कम 300 से 400 क्वेश्चंस, अराउंड 300 to 400 क्वेश्चंस, कम से कम 250 क्वेश्चंस तो मैं बता ही दूंगा बच्चों को। एक सीरीज स्टार्ट करते हैं जिसके अंदर मैं 300 से 400 सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल के ही क्वेश्चंस बता देता हूं, बता दूंगा सबको। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि मैं वो सीरीज स्टार्ट करूं तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करके बताइए कि सर येस प्लीज़ स्टार्ट द सीरीज ऑफ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, देन डेफिनेटली आई विल स्टार्ट। अगर 10 बच्चों ने भी कमेंट करके बता दिया और बोला कि स्टार्ट करना है तो मैं स्टार्ट कर दूंगा। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, और फ्रेंड्स नीचे दिए गए लाल बटन पर क्लिक करके मैसन मोर को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उससे फ़ायदा ये होगा कि जब मैं वो सीरीज स्टार्ट करूँगा आपको पता चल जाएगा, मैं पोस्ट भी डाल दूंगा और जैसे ही नई वीडियो अपलोड होएगी आपको पता चल जाएगा। फ्रेंड्स,
एक चीज़ और याद आ गई, मैं बताना भूल गया था, अगर आपको 100% मार्क्स स्कोर करने हैं, 95% से अबव स्कोर करना है, या फिर अगर आप एकदम वीक हैं और आप पास भी नहीं हो पा रहे हैं, तो मैंने हर बच्चे के लिए नोट्स प्रिपेयर किया है। यस फ्रेंड्स, हर बच्चे के लिए नोट्स प्रिपेयर किया है, बट वो आपको ख़रीदना पड़ेगा। जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो बिल्कुल फ्री है, बट फ्रेंड्स आपको नोट्स ख़रीदना पड़ेगा। बहुत ही चीप नोट्स हैं, इंस्टा मोजो पर मैंने अपलोड कर रखा है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको चाहे तो आप फिजिक्स का भी नोट अलग से खरीद सकते हैं, जिसके अंदर असाइनमेंट्स और सारे के सारे सारे चैप्टर्स के नोट्स हैं, प्लस असाइनमेंट्स हैं और बोर्ड क्वेश्चन के बोर्ड के हिसाब से नोट्स मैंने खुद प्रिपेयर किए हैं। और अगर आप चाहते हैं पीसीएम का कंबाइंड, तो आप पीसीएम का कंबाइंड भी नोट्स खरीद सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक तो ये चीज़ थी जो मैं आपको बताना चाहता था, और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता था कि मैंने एक बोर्ड के क्वेश्चंस की 2018 प्रिपरेशन, बोर्ड के प्रिपरेशन के लिए मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ बनाई थी। एक नंबर के क्वेश्चन, दो नंबर के क्वेश्चन, तीन नंबर के क्वेश्चन, तो कुल मिला के मैंने ऑलमोस्ट 350 से ज़्यादा क्वेश्चंस ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं बोर्ड के बच्चों को। बच्चे बार बार कमेंट में पोस्ट करके पूछते रहते हैं कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताइए। तो एक नंबर के करीब 150 सवाल, दो नंबर के करीब 100 सवाल, ऐसे तीन नंबर के 50 सवाल, चार नंबर के 25 सवाल, ऐसे करके 350 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको नोट्स खरीदने हैं इंस्टा मोजे से, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। पिछले साल का सैम्पल पेपर 2018 का, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। आप सारे के सारे वीडियोस देखिए और एनसीईआरटी तैयार करिए। और फ्रेंड्स, एनसीईआरटी से एक चीज़ और याद आई, अगर आप इस वीडियो को बहुत एंड टाइम पे देख रहे हैं, अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे प्रिपरेशन करनी है बोर्ड की, कैसे तैयारी करनी है, तो उसके लिए भी मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखा है, और हाउ टू स्टडी एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन 2019, जैसा कि आप ये वीडियो देख सकते हैं, उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखा है, या फिर ऊपर दिए गए आई बटन पे भी आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं राइट साइड में। तो फ्रेंड्स, वो वीडियो देखिए, 5-7 मिनट का वीडियो है, आपको एकदम क्लियरली पता चल जाएगा कि कैसे आपको बोर्ड की तैयारी करनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए सेक्शन ई स्टार्ट करते हैं। आई थिंक मैंने कुछ ज़्यादा ही बात कर ली। तो सेक्शन ई है आपका प्रैक्टिकल बेस्ड। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि When few drops of phenolphthalein are added to dilute a solution of sodium hydroxide, a pink color is produced. What will be the color of the final mixture when the excess of HCl is added to it? Justify your answer. Friends, ध्यान रखिएगा, सेक्शन ई के सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे, ध्यान रखिएगा। तो 6 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, टोटल हो गया 12 मार्क्स। तो 12 मार्क्स से आप खेल नहीं सकते हैं, सो प्लीज़ अभी से प्रैक्टिकल्स और एक्टिविटीज़ पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर चेक करते हैं, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है और इसमें आपको चॉइस दी गई है, तो डेफिनेटली बोर्ड के पेपर में भी आपको चॉइस दी गई होगी क्वेश्चन नंबर 22 में। सो द कलर ऑफ द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स पिंक ऑन एडिंग फिनोप्थेलिन एज एन ओ एच इज अ बेस। तो जब बेस में आप फिनोप्थेलिन डालते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है और वो पिंक हो जाता है, बट जब आप एक्सेस उसके अंदर एसिड डाल देंगे, HCl डाल देंगे, तो वापस से जो मिक्सर होता है इट बिकम्स कलरलेस ड्यू टू द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द बेस एंड द एसिड। तो आई होप आपको ये आंसर क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और पार्ट में कह रहा था कि अरेंज द मेटल्स आयरन मैग्नीशियम जिंक एंड कॉपर इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। सो ये भी फ्रेंड्स ईजी क्वेश्चन है, आपको पूछ रहा है कि आपको इन मेटल्स को आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर सॉरी इनको आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी के हिसाब से आपको अरेंज करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपका आ जाएगा कॉपर Cu, फिर आपका आ जाएगा आयरन Fe, फिर आपका आ जाएगा जिंक Zn, और फिर आपका लास्ट में आ जाएगा मैग्नीशियम। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंट स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिटिक एसिड एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ए एंड बी। कह रहा है कि नेम द सब्सटेंसेज विच ऑन एडिशन टू द एसिटिक एसिड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एसिटिक एसिड CH3COOH में जब आप कार्बन एसिटिक एसिड में आप ऐसा क्या सब्सटेंस ऐड करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होएगी। गिव रेलेवेंट केमिकल इक्वेशन फॉर द अबव। तो ये हमारा नेक्स्ट शीट में इसका आंसर है। सो इसके अंदर फ्रेंड्स सॉरी क्वेश्चन नंबर आपके 22 में एक और पार्ट पूछा था, मैंने आपको बताया नहीं, उसमें ये पूछा था कि व्हाट विल बी द टू ऑब्जर्वेशंस मेड बाय द स्टूडेंट व्हेन द आयरन फिलिंग्स आर एडेड टू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ये मैं आपको बताना भूल गया फ्रेंड्स, सॉरी। तो दो जो आपकी ऑब्जर्वेशंस होंगी, पहला ये होगा कि कलर ऑफ द सॉल्यूशन चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू द ग्रीन एंड रेडिश ब्राउन डिपॉजिट्स ऑन द आयरन फिलिंग्स, याद कर लीजिएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 23 का पार्ट एक आंसर देखते हैं। तो NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब हम एसिटिक एसिड में डालते हैं तो सोडियम इथानोएट बनता है, साथ में वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है,
और आपको जब पता करना है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है, तो उसका कन्फर्मेटरी टेस्ट करना है, तो सिंपली कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में पास कर दीजिए, तो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, उसका कलर दूध जैसा हो जाता है। या फिर दूसरा टेस्ट ये होता है कि आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस के पास बर्निंग कैंडल लाइए, तो बर्निंग कैंडल बुझ जाती है, इट एक्सटिंग्विशेस फायर। सो हाउ इज आर कार्बन डाइऑक्साइड गैस टेस्टेड इन लेबोरेटरी, इसका भी मैंने आपको आंसर क्लियर कर दिया। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि व्हेन ऑब्जर्व्ड अंडर हाई पावर ऑफ माइक्रोस्कोप चेन ऑफ बर्ड्स इज विजिबल इन द माइक्रोस्कोपिक व्यू, इन विच ऑर्गेनिज्म कैन इट बी ऑब्जर्व्ड, एक्सप्लेन दिस प्रोसेस। और इसके अंदर अभी आपको दो पार्ट दिए गए हैं इस क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं ईस्ट में, और जो प्रोसेस होता है वो होता है बडिंग। द पेरेंट ईस्ट सेल प्रोड्यूसेज एन स्मॉल प्रोट्यूबरेंस डैट ग्रोज टू फॉर्म अ बर्ड। द न्यूक्लियस ऑफ द पेरेंट सेल डिवाइड सच दैट द डॉटर न्यूक्लियस मूव्स इन टू द डॉटर सेल्स एंड द प्रोसेस कंटिन्यूज टू फॉर्म अ चेन ऑफ बर्ड्स। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहा था, नेक्स्ट पार्ट में पूछ रहा था कि इन द एक्सपेरिमेंटल सेटअप अपॉन कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, इफ वन फॉरगेट्स टू कीप द वाइटल इफ वन फॉरगेट्स टू कीप द वायल विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH इन द कॉन्कल फ्लास्क, हाउ विल द रिजल्ट वेरी। अगर आप KOH नहीं रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड वाले एक्सपेरिमेंट में, जिससे आपको प्रूव होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के टाइम पे ज़रूरी होता है, अगर आप KOH नहीं रखेंगे तो रिजल्ट में क्या फ़र्क आएगा, आपको डिटेल्स में बताना है। तो एब्जेंस ऑफ KOH में ये होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय द जर्मिनेटिंग सीड्स इज नॉट एब्जॉर्ब। जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही होंगी जर्मिनेटिंग सीड्स के थ्रू वो एब्जॉर्ब नहीं होंगी, क्योंकि KOH का काम ही ये होता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। सो पार्शियल वैक्यूम इज नॉट क्रिएटेड इन द कॉनिकल फ्लास्क, एयर प्रेजेंट इन द फ्लास्क इज नॉट रिड्यूस्ड एंड वाटर लेवल्स डज नॉट राइज इन द डिलीवरी ट्यूब। सो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये 24 का भी और पार्ट हो गया। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 भी इजी है। पूछ रहा है कि यू सोक सीड्स ऑफ बीन एंड ऑब्जर्व देम आफ्टर 2 to 3 days, व्हाट विल बी योर ऑब्जर्वेशंस। सो सॉफ्ट हो जाएंगे, रप्चर्ड सीड्स हो जाएंगे, कोट एंड रेडिकल विच इमर्जेस फर्स्ट लीफी प्लूम्यूल बिटवीन द टू कॉटिलेडन्स। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 26 एंड क्वेश्चन नंबर 27, सेकेंड लास्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर क्वेश्चन पेपर, दोनों के दोनों इलेक्ट्रिसिटी से हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि द करंट फ्लोइंग थ्रू अ रजिस्टर कनेक्टेड इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस इट्स एंड्स आर शोन इन गिवन इन द एमीटर एंड द वोल्ट मीटर। ठीक है भाई, फाइंड द लीस्ट काउंट ऑफ द वोल्ट मीटर एंड द एमीटर, व्हाट इज द वोल्टेज एंड द करंट अक्रॉस द गिवन रेजिस्टेंस। तो लीस्ट काउंट एमीटर का निकालने के लिए जो उसकी सबसे छोटी रीडिंग होती है वो आपको लिखना रहता है, अपॉन में कितने नंबर ऑफ डिवीजन्स हैं, तो आपको लीस्ट काउंट ऑफ आपको एमीटर पता चल जाएगा। सेम आपको लीस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर भी ऐसे ही आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि सबसे छोटा वो कितना कर रहा है और कितने उसमें डिवीजन्स हैं। लीस्ट काउंट से बेसिकली हमको पता ये चलता है कि जो वो डिवाइस है मिनिमम कितना वो मेज़र कर सकती है। तो जो लीस्ट काउंट ऑफ एमीटर होगा वो 0.02 एम्पेयर होगा, और जो वोल्ट मीटर होगा वो 0.1 वोल्ट होगा, और करंट कितना पास कर रहा है तो 15 × 0.02 मल्टीप्लाई कर देंगे 0.3 एम्पेयर, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा 2.1 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं फ्रेंड्स। आई होप आपने ये फिगर देख लिया होगा, जब भी आपको एक क्वेश्चन क्लियर हो गया कि कैसे मैंने आपकी जो डिवीजन्स थी वो मैंने कैलकुलेट की। अगर आपको ये फिगर क्लियर नहीं है तो आप cbseacademic.nic.in से सैम्पल पेपर डाउनलोड कर लीजिएगा, PDF फॉर्म में मिल जाएगा, तब आप इसको चेक करिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 27 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो सीरीज का, उसको चेक करते हैं। कह रहा है कि कंसिडर द पाथ ऑफ अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स ऑफ इंसिडेंस। तो आपको कंसिडर करना है कि अ पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब फॉर डिफरेंट एंगल्स ऑफ इंसिडेंस। पहला कि विच वन इज ग्रेटर, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। फिर दूसरा कि व्हाट हैपन्स टू द इमर्जेंट रे एंगल ऑन इंक्रीजिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल एट एयर ग्लास इंटरफेस। एंड थर्ड पार्ट में पूछ रहा है कि स्टेट द कंडीशंस व्हेन नो रिफ्रैक्शन अकर्स। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस, और एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा जब आप दूसरे एंगल को भी बढ़ाएंगे। जो इस क्वेश्चन में पूछ रहा था कि व्हाट हैपन्स टू द एंगल इमर्जेंट एंगल ऑन इंक्रीजिंग द इंसिडेंट एंगल
एट एयर ग्लास इंटरफेस। तो जब आप इस एंगल को बढ़ाएंगे एयर ग्लास इंटरफेस के, तो आपका इमर्जेंट एंगल भी इंक्रीज होगा। तो इसमें थर्ड पार्ट में पूछ रहा था कि स्टेट द कंडीशंस व्हेन नो रिफ्रैक्शन अकर्स। जब कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगी तो द लाइट रेज फॉल अलॉन्ग द नॉर्मल और द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द टू ऑप्टिकल मीडियम विल बी इक्वल। अब फ्रेंड्स 27 में भी आपका एक और पार्ट है, उसको भी चेक कर लेते हैं। सुनीता टेक्स अ मिरर विच इज डिप्रेस्ड एट द सेंटर एंड इज माउंट इट्स ऑन अ मिरर स्टैंड। एंड कह रहा है कि डिप्रेस्ड एट द सेंटर, तो फ्रेंड्स बताइए गैस करिए कौन सा मिरर होगा। डिप्रेस्ड एट द सेंटर मतलब कि गड्ढा हो रखा है, तो डेफिनेटली वो कॉनकेव मिरर होगा। कह रही है कि, और क्योंकि इससे भी पता चल रहा है कि इसने प्रॉपर्टी बताई है कि इट फॉर्म्स एन इरेक्ट एंड लार्ज इमेज, जो कि कॉनकेव मिरर में ही बनती है। हर फेस इज फॉर्म्ड इरेक्ट एंड लार्ज। शी प्लेसेज द मिरर ऑन अ स्टैंड अलॉन्ग अ मीटर स्केल एट 15 सेंटीमीटर मार्क। 15 सेंटीमीटर के मार्क पे उस मिरर को प्लेस कर देती है, ठीक है। इन द फ्रंट ऑफ दिस मिरर शी माउंट्स अ वाइट स्क्रीन एंड मूव्स इट बैक एंड फोर्थ अलॉन्ग द मीटर स्केल टिल अ शार्प वेल डिफाइंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ द डिस्टेंट ट्री इज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन ऑन द एट द 35 सेंटीमीटर मार्क। फिर से मैं रीड करके आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि सुनीता ने एक मिरर लिया, कॉनकेव मिरर लिया, ठीक है, एट द सेंटर एंड माउंट्स इट्स ऑन अ मिरर स्टैंड, और एक उसकी इमेज बन रही है जो कि बन रही है इरेक्ट और एनलार्ज, ठीक है। वो उस मिरर को प्लेस कर देती है अलॉन्ग अ मीटर स्केल ऑफ 15 सेंटीमीटर मार्क, ठीक है। तो यहाँ से आप 15 सेंटीमीटर का मार्क कर लीजिए। फिर कह रहे कि इन फ्रंट ऑफ दिस मिरर शी माउंट्स अ वाइट स्क्रीन एंड मूव्स इट बैक एंड फोर्थ अलॉन्ग द मीटर स्केल टिल अ शार्प वेल डिफाइंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ एंड डिस्टेंट ट्री इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन एट अ मार्क ऑफ 35 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ से 35 सेंटीमीटर पे आपकी एक इमेज बन रही है। आपको उसकी आपको बताना है कौन सा मिरर है, जो कि हमने बता दिया कि कॉनकेव मिरर है। फिर आपको बताना है कि उसकी फोकल लेंथ क्या है। तो उसकी फ्रेंड्स फोकल लेंथ सिंपली क्या हो जाएगी कि उसने 15 सेंटीमीटर का तो ऑलरेडी मार्क किया था, और उस 15 सेंटीमीटर के फिर 35 सेंटीमीटर पीछे इमेज बन रही थी। तो सिंपली जब आप 35 को 15 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर, जो कि आपकी फोकल लेंथ हो जाएगी। नेक्स्ट पार्ट में पूछ रहा है कि वाई डज सुनीता गेट द शार्प इमेज ऑफ एन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एट 35 सेंटीमीटर मार्क। तो फ्रेंड सिंपली इसका आंसर ये है कि क्योंकि जो इंसिडेंट रेज है, बिकॉज द इंसिडेंट रेज पैरेलल टू ईच अदर आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कनकेव मिरर मीट्स एट द फोकस एंड प्रोड्यूस शार्प इमेज एट द फोकस। तो ये आपका रीजन हो गया। फ्रेंड्स आई होप आपको सभी क्वेश्चंस क्लियर होंगे। क्वेश्चन नंबर 27 से क्वेश्चन वन से लेकर क्वेश्चन 27 तक, इस पार्ट में हमने सिर्फ सेक्शन ई के सारे क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन किए थे। अगर आपने सारे पार्ट नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखा है, आप जाके चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स आपको आई होप सभी पार्ट्स क्लियर हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करके पूछ लीजिएगा और मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा और आपको आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब ये मत सोचिए कि मैं छोटा भीम देखता हूँ, अगर मेरे पास छोटा भीम का ये कार्डबोर्ड पड़ा हुआ था तो मैंने उसी के ऊपर रख के पढ़ाना स्टार्ट कर दिया और वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। तो फ्रेंड्स छोटे भीम के नाम पे एक लाइक दीजिएगा वीडियो को अगर आपको वीडियो पसंद आया तो, और नीचे देखिए रेड बटन पे क्लिक करके मैसन मोड को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।